SN Live सच सबसे आगे। बिहार में आया सियासी भूचाल, AIMIM के चार विधायक RJD में शामिल, तेजस्वी ने ओवैसी के पांव तले खींच ली जमीन। बिहार की राजनीति में बुधवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, या यूं कहिए कि बिहार की सियासत में बाद भूचाल आया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के चार विधायक RJD में शामिल हो गए हैं। आमतौर पर विधानसभा क्षेत्र से चुने गए AIMIM के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तारुल ईमान को छोड़कर सभी चार विधायक RJD में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही बिहार विधानसभा में RJD एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बुधवार को तेजस्वी यादव ने खुद ऐलान किया कि असदुद्दीन ओवैसी के चार विधायकों ने RJD का दामन थाम लिया है। बिहार विधानसभा क्षेत्र से चुने गए AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तारुल ईमान को छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के चार विधायक RJD में शामिल हो गए हैं। कोचाधाम विधानसभा से मोहम्मद इजहर आसफी, जोकीहाट से शहनवाज आलम, बैसी से सैयद रुकनुद्दीन और बहादुरगंज से अजहर नायमी AIMIM का साथ छोड़कर RJD का दामन थाम लिया है। इस तरह तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए सबको हैरान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के चार विधायकों के RJD में शामिल होते ही अब RJD के 80 विधायक हो गए हैं। इसके साथ ही बिहार विधानसभा में RJD सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहीं BJP 77 विधायकों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। कुछ महीने पहले ही विकासशील इंसान पार्टी VIP के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी के तीनों विधायक पार्टी छोड़कर अचानक BJP में शामिल हो गए थे। इसके बाद विधानसभा में BJP के सदस्यों की संख्या बढ़कर 77 हो गई और वह पहले नंबर की पार्टी बन गई थी। अब BJP फिर से दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। JDU 46 विधायकों के साथ तीसरे नंबर पर और 19 विधायकों के साथ कांग्रेस चौथे नंबर पर है। वही भाजपा की बात करें तो भाजपा माले 12 विधायकों के साथ पांचवें नंबर की पार्टी है। NDA के घटक जीतम राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 4 विधायकों के साथ छठवें नंबर पर है। फिलहाल हम आपको आगे की अपडेट्स बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SN लाइव न्यूज। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर।